ताज़ातरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं अमरेश प्रजापति। हमारे स्टूडियो में मौजूद है वेद प्रकाश गोस्वामी जी, जिनका वीडियो आजकल सोशल मीडिया में बहुत ही धमाल मचाए हुए है। आइए हम आपको रूबरू करवाते हैं वेद प्रकाश गोस्वामी जी से कि कैसे इन्होंने अपने इस करियर को शुरुआत किया। जी वेद प्रकाश गोस्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्राइम न्यूज 24 के स्टूडियो में। जी सर, बताइए अपने बारे में, कैसे आपने अपना करियर को। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जो भैया याद किया अपने चाचियों का यहाँ, बस कहाँ कोई याद करता है, तुम वहाँ याद किया अपने चाची के यहाँ नमस्कार है, और नमस्कार न सको कहीं है हाथ जोड़ जो अपने चाची के यहाँ थोड़ा बढ़ावत है बढ़ाओ। अरे हमारे तो हाथ जोड़ गोर के आशीर्वाद है कि अब की जितने जवान दर्शक हैं हमारे सबके लड़का हो। अरे दर्शकन के रे ना, मने मर्दन के रे ना, मिहलवन के रे हो, और हाथ जोड़ नमस्कार कहे मरा महीनों कहीं हाँ है जो हमें ऊपर उठाओ में कोशिश कर रहे हैं। हाथ जोड़ नमस्कार है और हाथ जोड़ नमस्कार है वो माता पिता कहे हैं, जो चाची कहे हैं पैदा करे। शुक्रगुजार हूँ इन दर्शकों का, प्यारे प्यारे दर्शकों का, जो मुझे इतना प्यार दिए और आगे बढ़ाए और प्राइम न्यूज 24 तक मुझे पहुंचाए। इस प्रजापति जी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि इस छोटे से कलाकार का जो है बात रखने का चांस दिया। प्रकाश जी, आप ये बताइए कि आपके मन में कैसे आया कि मैं एक कॉमेडी कर सकता हूं, और जब आपने अपना करियर शुरुआत किया तो आपकी किन किन परिस्थितियों से, किन किन बाधाओं से गुजरना पड़ा और उसमें कितने लोगों ने आपको सपोर्ट किया? आदरणीय मेरे भाई, मैं ये कहना चाहूँगा कि कॉमेडी की बात रही कैसे उत्पन्न हुई, तो कॉमेडी तो मैं कक्षा 9वीं में वही पढ़ रहा था। 26 जनवरी का फंक्शन सभी स्कूलों में होता है, तो उस 26 जनवरी को एक आर्टिस्ट को मैंने देखा जो स्टेज पर परफॉर्म कर रहा था। उसको देखकर मुझे जैसे वो एक करेक्टर की आवाज़ निकाला था, बुढ़िया की आवाज़, तो ऐसे निकाला था, मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसे। अरे भैया इस बात पर रखो, अगर बोलता हूँ ना गाल अपने अम्मा लगे दूध पियो, अगर बोलता हूँ ना बात मारो कपड़ा गंदा हो गए बात अपना खरीद लेते बात मारो, अरे मार दे दे बच्चा। इतना मैं सुना तो उसको कॉपी करने का कोशिश किया और कोशिश में मैं कामयाब रहा। तभी से जर्नी जो है स्टार्ट हुई और कॉमेडी की लत मेरी बढ़ती गई। जी जैसा कि मैंने आपके बारे में सुना है कि आप कई बड़े एक्टर्स की मिमिक्री भी कर लेते हैं जी, तो कुछ करके हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कुछ? बिल्कुल बताएंगे जी। जैसे कि आप लोग भली भांति जानते हैं शक्ति कपूर जी को, शक्ति कपूर जी की आवाज में पेश कर रहा हूँ जी। जी जी वो बोलते हैं सर, आओ तकच के डा अब और नतुला कली कला था, उसने मेरा बापू से शादी कर लिया, तब से मैं कुआरा हूँ, आओ तुम मेरा एक काम करो, मेरे बापू को मार दो, जितना भी माल मतलब गा आधा आधा कर लग गया, आओ तक चिकी डा अब आए तन 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 रारा मर जाएगा तेरे बगल मेरी। जी जैसा कि मैंने आपके बारे में सुना है कि आप कई बड़े एक्टर्स की मिमिक्री भी कर लेते हैं जी, तो कुछ करके हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कुछ? बिल्कुल बताएंगे जी। जैसे कि आप लोग भली भांति जानते हैं शक्ति कपूर जी को, शक्ति कपूर जी की आवाज में पेश कर रहा हूँ जी। जी जी वो बोलते हैं सर, आओ तक चुके डा अब और नतुला कली कला था, उसने मेरा बापू से शादी कर लिया, तब से मैं कुआरा हूँ, आओ तुम मेरा एक काम करो, मेरे बापू को मार दो, जितना भी माल मतलब गा आधा आधा कर लग गया, आओ तक चुके डा। जी बहुत अच्छा लगा आपकी बातों को सुन करके सर। और जैसा कि मैंने आपके बारे में सुना है कि आपने एक वीडियो भी बनाया जी, जो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है, जो अपने जनता का भाषा में अवधि भाषा में कि अब हम हूँ नहारी मन नहावे, इस वीडियो को बनाने का मकसद आपका क्या था और कैसे आपके दिमाग में आया कि इस विषय पे एक हम वीडियो बनाएंगे, कुछ इसके बारे में प्रकाश डालिए।
सर मकसद तो मेरा नहीं, मगर शुरू से जो नाइन्थ से पढ़ने के बाद वो मैं कॉपी किया भी जैसा कि बताया था, तब से मेरे अंदर कलाओं की जो है वृद्धि बढ़ती गई और मैं लोगों की आवाज़, एक्टरों की आवाज़ और कॉमेडी पकड़ता गया, इसमें अपना लगाव बढ़ता गया। और मैं भी कोई धनी परिवार से बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं भी गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। और जैसा कि ज़िंदगी में सबके रहता है कि कुछ ना कुछ करके चार पैसा कमाया जाए, अपने आप को इम्प्रूव किया जाए, कि दिखाया जाए कुछ, कोई नौकरी के पीछे भागता है, कोई किसी के पीछे, कोई किसी के पीछे, तो मैं इसे ही चुना, अपना करियर इसी में मैं ढूंढा और बनाते बनाते यहाँ तक पहुँच गया सभी दर्शकों के प्यार से। जी आपने जब ये कॉमेडी लाइन में जब आए और आपने जब यहाँ जैसे आपको लगा कि मैं कॉमेडी में बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ, तो क्या आपके इस करियर में बाधाएं कौन कौन सी आई, आपके फैमिली में किन किन लोगों ने आपको सपोर्ट किया और किन किन लोगों ने आपको विरोध किया? सर मेरे पापा जो है वो खुले दिल के आदमी हैं, जो कुछ देखते हैं कि हाँ ये बंदा ये कर ले जाएगा तो उसको सपोर्ट करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं। और मेरे घर के परिवार हैं और लोग हैं गाँव वाले, तो मैं जरा अवध के क्षेत्र से हूँ तो कभी निकल जाता है और निकलेगा भी, क्योंकि अवधि का बीड़ा ना उठा के चलता हूँ और कॉमेडी करता हूँ और अवध में भी करता हूँ और शुद्ध हिंदी में भी करता हूँ। और परिवार वाले मेरे और गांव वाले तो मुझे नहीं समझते थे, मगर मेरे पिताजी समझते थे और सपोर्ट किए काफ़ी। बीच में कई बाधाएँ आई, उसे बताने में काफ़ी टाइम जाएगा, और उन बाधाओं का मैं सामना किया। गरीबी परिवार से मैं उन बाधाओं को सहन किया और आगे बढ़ता रहा निरंतर। जैसे आपके जीवन में जब बाधाएं आई, आपने अपना काम स्टार्ट किया, तो कुछ ऐसे एक दो लोग आपकी जिंदगी, हर एक आदमी की जिंदगी में कोई ना कोई व्यक्ति होता है जो बहुत सपोर्ट करता है, कोई किसी ऐसे व्यक्ति का आप नाम लेना चाहेंगे इस स्टेज पे आकर के हमारे चैनल के सामने कि इस व्यक्ति ने हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, कोई किसी एक व्यक्ति जो हो, हर एक आदमी की जिंदगी में खास व्यक्ति होता है? सबसे पहले मैं आदरणीय संतोष जी का जो है, संतोष यानी यश कुमार गौतम जी कहे जाते हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्र गुजार करूँगा। उनसे मैं आज के 3-4 साल पहले मिला और उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया, क्योंकि मैं कलाकार हूँ और ये YouTube पे या कहीं भी सोशल मीडिया पे कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे क्या है, उतना मुझे नॉलेज नहीं है, उतना मुझे नॉलेज नहीं। तो भैया जी से मैं मिला, उन्होंने एक बड़े भाई की तरह जो है आगे बढ़ाने का चेष्टा किया और मुझे बढ़ाया, उनसे जो मुझे आशा थी वो मिला और यहाँ तक पहुँचाने का जो है उन्हीं का साजिश है और उन्हीं का वो है। और कला तो मान लीजिए है ही, आप दर्शकों के आशीर्वाद से, यानी आप अपना श्रेय देना चाहेंगे संतोष कुमार जी को जी, जिन्होंने आपकी जिंदगी में एक आकर के नए मुकाम पे आपको लाके खड़ा किया, यहाँ तक मैं उन्हीं के जरिए से पहुँचा। सर जैसे आप अवध क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आपने बताया कि हम गोंडा से बिलोंग करते हैं, तो कुछ अपने यहाँ अवधी भाषा में आप कुछ हमारे दर्शकों को सुनाएंगे जिससे कुछ? बिल्कुल सुनाएंगे। जैसा कि एक करेक्टर होता है, एक घर की जो है गाथा है, घर में एक दादी जी होती है और उनकी पतोही होती है, पतोहिया होती है, सॉरी पतोहिया होती है, और लड़का रोता रहता है तो दादी जी क्या कहती हैं और क्या रिएक्शन उनका होता है पतोह का, तो मैं सुनाना चाहूँगा। दादी जी जैसे कहती हैं, अरे पतो भुजा बाबू, अरे ये पतो भुजा बाबू, लड़का उठाए ले लड़का रोवत है, लड़का उठाए ले लड़का रोवत है, कहाँ पतो भुजा बाबू अपने उठा सकती हमें का थी, चोर पड़े थे खाया वो बैठ लड़ाया इधर उधर कर हत्या मारो, तो कह हमें पतोहिया रानी, पतोहिया रानी कछुआए रहती, देख लियो आपकी आवाज ये बूढ़ा तो काम बांट दिया, मैं बुढ़ाऊ मर गया तो तोड़ो मैं क्यों का बताई तो कह हमें ये बोलो जो कच्चा ये एक लड़का ना उठा चला सब बतुआ कती इधर से उधर खूब बदला थी जा अगर ये बच्चा अगर कुछ बोले बुरा बुरा उड़ा हमें छोड़ दे अब दुबारा तुम पे
ऐसे करके है जैसे आपका पेवर बोलते हैं। आपसे मेरा अगला सवाल जी कि अपने इस कला को दिखाने के लिए आप कभी किसी बड़े स्टेज पे गए या किसी बड़े कलाकार से आप कभी मिले? बिल्कुल, मैं अभी पिछले यही होली के बाद मैं लमसम वही एक साल हुआ था और तो सफर कई सफर गए आया है, मगर एक साल में रह के आया हूँ मुंबई में। काफ़ी ढेर सारे स्टूडियो में जाकर ऑडिशन दिए जहाँ से बड़े बड़े स्टार निकल के आए हैं आप सभी लोगों के सामने, वहाँ तक भी मैं पहुँचा और कई जगह सिलेक्शन भी हुआ, काम भी किए, जूनियर आर्टिस्ट में काफ़ी काम किया मैंने। और हाल ही में अभी पानीपत मूवी आई थी संजय दत्त जी की, तो उसमें मैं सेलेक्ट हुआ था कपिल में, जैसे कपिल में रोल था मेरा, कपिल शर्मा स्टेज पे उनके सेट पे, विशाल स्टेज जानते ही हैं आप लोग, कौन नहीं जानता वाला उसे, तो उस पर जैसे कपिल के प्रोडक्शन से सिलेक्शन हुआ था मेरा। और चलने का स्टाइल जो संजय दत्त जी का है वो करना था वहाँ पर जाके, मैं था और मेरा दोस्त एक बहुत ही अच्छा कलाकार है बहराइश का, वो भी साथ में था, हम दोनों गए थे कपिल सर के सेट पे जो है संजय दत्त का वाक किए थे और काफ़ी काम किया जी। अगर आपको ज़िंदगी में कभी अवसर मिले किसी बड़े कलाकार के साथ काम करने का तो आप किसके साथ काम करना पसंद करेंगे? कोई एक्टर्स या कोई अभिनेता या अभिनेत्री किसी? मैं ये कहना चाहूँगा कि माता जी वो दिन लाए और मैं काम का सौभाग्य प्राप्त करूँ स्टारों से, तो ये तो मैया जी की असीम कृपा होगी। और रही बात तो मैं खेसारी जी का फैन हूँ और उनकी आवाज़ भी थोड़ा बहुत कॉपी करता हूँ जी। बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा कल तोरा दुकान पे आके तोरा बाबूजी से तोरा हाथ मंगा हाथ चंदा बुझलो मारो कि नहीं है। ऐसे करते हैं कि सर ये थोड़ा एक फिल्म देखा था तब बना के बोलते हैं ऐसे ही, अरे हाथ चंदा बुझलो कि नहीं है ऐसा ही करके बोलते हैं। और सर जैसा कि आपके बारे में सुना है जी कि आप और कई अभिनेताओं की मिमिक्री कर लेते हैं, कुछ हमारे दर्शकों को एक दो लोगों की मिमिक्री करके बताइए आप। बिल्कुल बताएंगे, जैसे हमारे भोजपुरी स्टार नीरहू जी हो गए, उनकी भी आती है मुझे और मैं करना चाहूँगा। अरे तो नहीं जैसा लोगों के बहुत देख ले भैया हमारा नाम बाकी। आप हिंदी सिनेमा के किसी एक्टर का कोई भी मिमिक्री करके बताइए जो आज तक आपने बहुत ही दिल और जान से किया। दिल जान से मैं नाना पाटेकर जी का भी करता हूँ और इनका धर्मेंद्र जी का भी करता हूँ, सनी देओल जी का भी करता हूँ और नाना पाटेकर का मैं एक करके आपको सुनाता हूँ। आगे मेरे मुख का तमाशा देखने देखो, अभी ले मुझे लटका देंगे, मेरी जुबान बाहर आएगी, थोड़ी देर में लटकता रहूंगा और तुम चर्चा करते घर जाओगे, खाना खाओगे और सो जाओगे। अरे यही बुद्धनी, यही ना मर्दानगी, कल को तुम्हारे इस देश की मौत की तमाशा इसी खामोशी से देखी। दोस्तों मैं अपने कॉमेडी के माध्यम से आपके दिलों में आना चाहता हूँ और आपके दिल को गुदगुदाना चाहता हूँ, बस आप लोग मेरा चैनल्स और मुझे ध्यान दीजिए। दोस्तों मैं कई कंडक्टर्स रखे हूँ, वो लाकर आप सभी लोगों से रू आबरू कराना चाहता हूँ। दोस्तों जैसे मेरे एक दो करेक्टर्स मैं करके भी बताऊँगा आपको, देखिए दोस्तों जैसे एक मेरा मौलाना करेक्टर है आप सुनिएगा। अरे वाह, अरे उदार हूँ तो मैंने अपनी आंखों से देखा, ये कमबख्त अपने अबू जान का अपने हाथों से कत्ल कर दिया। ये था मेरे दोस्तों। और मेरा एक करेक्टर और है मोछू बाबा करके, वो सुनिए। अरे मोछू बाबा हम नाम है, अरे ये जानो गुंडा लोग चाल है और हमने बुझिया कहना पड़े तो नहीं मिसाई बोला नहीं जाएगी। ये ऐसा करके है। और दोस्तों कई हीरो की आवाज़ जैसा कि बताया निकाल ही रहा हूँ, तो कई लोगों की और आवाज़ मैं निकाल के सुनाना चाहूँगा आपको दोस्तों। जैसा कि पहले असरानी जी हैं हमारे। अरे मैं अंग्रेजों का जमाने का जेलर हूँ। देवल जी आते हैं। बाबू जी मैं काजल से बहुत प्यार करता हूँ और काजल काजल भी मुझसे बहुत प्यार करती है। बाबू जी
काजल बताओ ना बाबूजी को, हम दोनों आपस में कितना प्यार करते हैं। नहीं काजल, अगर जो तुमने किसी और से शादी किया ऐसे करके दोस्तों, और मैं आपको सुना रहा हूँ शत्रुघ्न सिन्हा जी की आवाज। और जल को कचहा बुझे को खा कचहा, हम जस लोग को रस्व नाथ कचहा, और जो आवाज निकाल रहा है सफेद प्रकाश कचहा। चलते चलते हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा कि आदरणीय दर्शक जन, आप जो है इतना हमें बढ़ाए हैं और आगे मैं इस स्तर तक आ पहुँचा हूँ, तो आप लोगों का प्यार आशीर्वाद रहा है। और मैं आप लोगों को YouTube पर भी मिल सकता हूँ, मेरे चैनल का नाम है वेद प्रकाश कॉमेडी। आप YouTube पर जाकर भी मुझसे मुखातिब हो सकते हैं। और मैं चलते चलते भी कहना चाहूँगा, अरे भैया